नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी। आपको बताएं विशेष खबर, गुड न्यूज नए साल पर। जी हां, आपको बता दें कि नए साल पर यूपी में सीएम जी ने बहुत बड़ा सौगात दिया है किसानों को। जी हां, आपकी रकम को डबल करने के लिए यूपी सरकार ने एक मुहिम चलाया है। जी हां, यूपी में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए चलाया जाएगा कल्याण मिशन और किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति किया जाएगा जागरूक 6 जनवरी 2021 से। उत्तर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और किसानों की आमदनी को दोगुना करने का अभियान 6 जनवरी से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें क्या है कि किसानों को जागरूक इसलिए किया जाएगा क्योंकि सरकार को लगता है कि किसानों को मिसलीड किया जाता है और किसान बहुत जल्द ही बहकावे में आ जाते हैं। तो इस मिशन के जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के प्रति जागरूक तो किया जाएगा ही और किसानों की आमदनी को डबल भी किया जाएगा। सीएम योगी जी ने एक बैठक में विभिन्न जो है स्तरों पर बात की है। आपको बता दें कि विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम जी ने कहा कि राज्य में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और काश्तकारों की आमदनी दोगुनी करने की मुहिम आगामी 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने एक बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में विभिन्न गतिविधियों के जरिए किसान कल्याण और काश्तकारों की आमदनी दोगुनी करने की मुहिम आगामी 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 3 दिनों में विशेष मुहिम चलाने की बात रखी है। जी हां, आपको बता दें कि अगले 3 सप्ताह तक हर बुधवार को विकासखंडों में कार्यक्रम कर किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्रों को लाभान्वित भी कराने के निर्देश दिए गए। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड पर कृषि और विकास किसान कल्याण पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम ने अंतरविभागीय समन्वय से मिशन का माइक्रो प्लान बनाने का भी निर्देश दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि किसान कल्याण मिशन के 3 मुख्य भाग होंगे। इसके अंतर्गत कृषि और सहवर्ती सेक्टर वृहद प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और इसके दौरान विभिन्न कृषि तकनीकों के प्रदर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसानों को योजनाओं की सम्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान गोष्ठी आयोजित की जाए और योग्य व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कृषि कल्याण योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को मौके पर लाभान्वित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और भारत सरकार द्वारा अधिनियमों की जानकारी और लाभों के बारे में किसानों को विशेष रूप से समझाया जाए। आपको बता दें कि मोदी सरकार हर हाल में 2022 तक किसानों की रकम को डबल करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। बता दें 2022 तक आमदनी दोगुना करने का टारगेट है। मोदी सरकार हर हाल में 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ाकर डबल करने पर फोकस कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल, किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज मुहैया करना, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC समेत तमाम योजनाएं जो हैं वो किसानों के लिए ही की गई हैं। इस प्रकार से यूपी को लेकर के बड़ी खबर आ रही थी। आशा करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार की लेटेस्ट व ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए जेके न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे आपसे किसी अन्य ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा जेके न्यूज़।